आज ये हमारा बड़ा प्राचीनतम भगवान वाल्मीकि आश्रम है कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर, इसमें हमारा एक छात्रावास चलता है बहुत लंबे समय से, और वाल्मीकि आश्रम में भी विकास कार्यों की जो जरूरत थी पिछली सरकार के अंदर जब मैं मंत्री था तो 10 लाख रुपए की राशि हॉस्टल के विकास के लिए, इसकी रेनोवेशन के लिए और वाल्मीकि आश्रम के कुछ डेवलपमेंट कार्यों के लिए दी थी, और उसके बाद चुनाव आचार संहिता के कारण इसके काम की शुरुआत नहीं कर पाए थे हम। आज वाल्मीकि समाज ने सभी ने इकट्ठा होकर इन विकास कार्यों की यहाँ से शुरुआत की है और मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं इस आश्रम के अंदर जिस प्रकार की और ज़रूरतें होंगी मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर उसको भी डेवलपमेंट कार्यों के लिए और जो बजट की आवश्यकता पड़ेगी उसका भी निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री से, और छात्रावास अच्छे तरीके से चले और यहाँ पर रहने वाले जितने भी बच्चे हैं वो देश प्रदेश और समाज की उन्नति और तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सके इस कामना के साथ आज छात्रावास के विकास कार्यों को मैं देखने के लिए आया। राहुल गांधी का जो अनाप शनाप बयान आया और जो नागरिकता संशोधन बिल पर हंगामा हो रहा था, देखिए केंद्र का मामला है और राहुल जी जिस प्रकार के बयान देने के लिए प्रख्यात हैं वो उसी से बाहर तो गए ही नहीं, उसी पे हैं, उस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल ने देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए कोई भी योजना लेकर आने का काम किया, कांग्रेस ने कभी भी जनभावनाओं का समर्थन और सम्मान कभी नहीं किया, हमेशा राजनीति करने के लिए राजनीति की और विरोध करने के लिए केवल विरोध किया। तो चाहे धारा 370 का मामला था उसमें भी उन लोगों का आपने देखा तो रूप क्या था, और आज नागरिक संशोधन बिल के ऊपर भी उनकी क्या स्थिति है। इसी प्रकार से भव्य राम मंदिर बने, ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की एक आस्था का था, उस पर भी उनकी टिप्पणियाँ किस प्रकार की थी। तो कांग्रेस की कभी सोच देश हित में और देश के बदले ऊपर देश के हित में नहीं रही, हमेशा राज करने के लिए और राज किस प्रकार से बने और किस प्रकार से बने उसकी तरह वो लोग चल रहे हैं। तो जब देश में व्यक्ति नहीं होंगे, देश की एकता और अखंडता नहीं बचेगी तो देश राजनीति क्या करेंगे। रैली जो की भारत बचाओ उसके बारे में क्या कहेंगे कांग्रेस की, जो रैली होगी कर ली उन्होंने, राजनीति तौर पर करना था कर ली, क्या था उसमें उसको फर्क पड़ने वाला नहीं, राजनीति करने के लिए राजनीति करनी भी चाहिए उन लोगों को। परंतु मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, देश के हित की राजनीति होनी चाहिए, स्वयं के हित की नहीं होनी चाहिए।